पे पहुंच गए हैं, बट उससे पहले हम ये गिम्बल उम्बल सब अपने बैग में रख दे रहे हैं क्योंकि baby sana ni lately shkundi mu spam edhe dhe i treti sana të pëndrojnë të munu më koni njeti po jo shtë jami ama jo bashkë New what's up guys, my name is Max, so back to welcome to my YouTube channel. ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मैं ब्लॉग अपने पढ़ाई के मतलब स्टडी के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि अभी एग्ज़ाम भी आ रहे हैं एंड मैं सोच रहा हूँ. और सबसे पहली बात तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो मैंने आपसे ये बात छुपाई रखी उसके लिए सॉरी गाइज. और हाँ, उसके लिए भी सॉरी क्योंकि बहुत ही देर बाद मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ एंड उसके लिए सॉरी. सो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक स्कूल पर ब्लॉग बनाऊँ एंड वो कैसे होगा एंड कैसे नहीं. तो अभी 12 बज चुके हैं एंड अभी हमारा टाइम हो गया स्कूल जाने का. वहाँ पे बिल्कुल भी स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं होता, ये तो आपको भी मालूम होता है. स्कूल में ओनली बस स्टडी करना होता है. ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, तो चलो. सो अभी अपने मैं अपने घर से बहुत दूर आ चुका हूँ और अपने फ्रेंड के घर पे आया हूँ. ये रहा, हेलो गाइज. मैंने अपनी 12:30 की बात की थी तो यहाँ पे हमारी स्कूल की 1 बजे एंट्री होगी. लेट हो गई काफ़ी लेट हो गई ब्रो. लेट हो गए, 1 बज गया घर पे. अच्छा जी, तो निकल तो रहे हैं ना हम. बस तो गाइज मैं बताना भूल गया था, ये मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है और इसकी भी. बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं और ये साइकिल चला रहे हैं भाई. इधर आ, से आए तो ब्लॉक कर दे भाई, आए हैं. तो चलो बैग की, तो बहुत ही दर्द कर रहा है कंधा मेरा. जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, भाई जल्दी जल्दी आ जाओ. और आपको तो पता ही है कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ एंड फिर भी हम यूनिफॉर्म की अनुशासन तोड़ रहे हैं. अपन भाई लोग हैं, भाई लोग की तरह रहना आप मांगता आप उनको. देख सकते हो ये डैनिम, ये अपन की डैशन ही लुक है. सो आने वाले हमें अभी स्कूल पे बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ रहा है. पहले इसके घर पे, फिर स्कूल जाना पड़ रहा है. सो हम आ गए अपने स्कूल पे, बट ये बैक साइड का है. बैक साइड का है ना मुकेश, बैक साइड का ही है स्कूल. तो देख लो, यहाँ से हमें उस गेट के पास जाना है, वो गेट है. तो वहाँ देख सकते हो वहाँ बच्चे भी जा रहे हैं. तो उसी गेट के पास जाना है एंड उसके बाद अपन स्कूल में मिलेंगे. तो चलते हैं. स्कूल पे पहुँच गए हैं, बट उससे पहले हम ये गिम्बल उम्बल सब अपने बैग में रख दे रहे हैं क्योंकि सर को पता नहीं लगे कि हम फ़ोन वोन भी लाएँ. अलाउ तो नहीं है फ़ोन. 20 सेकेंड भी लग चुका है और अभी मालूम भी नहीं चुका. मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन निकालने में क्योंकि मैं फ़ोन निकाल नहीं पा रहा यहाँ पे क्लास में. मेरे को पता नहीं था यहाँ पे. ये तो स्कूल के सब ये रवि पास ही है. मेन बात यह है कि ये देखो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैमरा लग चुका है. काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गाइस फ़ोन निकालने में और अभी आधे घंटे में लंच होने वाला है. तो अभी लंच पर हम आपको वीडियो दिखाएंगे, ये ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं.
ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ब्लॉग में। और अभी बात बात है कि अभी रील्स वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी आधा घंटा और है, तो आधे घंटे में हमको बनाना पड़ेगा रील्स वीडियो एंड थोड़ी फोटो वीडियो खींचेंगे स्टोरी स्टोरी लगाएंगे। और ये हमारे खिड़की के बाहर है, जब हम 6th में पढ़ते थे तो वो जो बैंक्वेट हॉल है वो बहुत ही छोटा था, और अब हम जब 10th में आए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। जो होना था वही हुआ, क्योंकि जब मैं लास्ट वीडियो शूट कर रहा था जो कि मकान के ऊपर, मैं बता रहा था आपको कि वो जब हम 6th में थे तो बहुत मकान बड़ा हो गया था, तो बड़े बड़े के चक्कर में इतना बताना भूल गया कि हमने दरवाज़ा लॉक कर रखा था। और जो हम रील्स वील्स की बात कर रहे थे कि हम रील्स बनाएंगे थोड़े बहुत, तो वो भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सर आ गए थे तो फ़ोन पकड़ा गया। तो उसके बाद बहुत ही देर बाद मुझे फ़ोन मिला, क्योंकि फ़ोन स्कूल में अलाउ नहीं होते। फिर मैं सोचने लगा कि यार अब क्या हो गया, ये मेरा फ़ोन कम मिलेगा। सो एंड में मेरा फ़ोन मिल गया था, क्योंकि मैं सोचा कि वीडियो वीडियो डिलीट हो गई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाय द वे गाइस, ये कैसी लगी आपको ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताना कौन कौन स्टूडेंट है एंड कौन कौन कितनी पढ़ाई करता है, तो कमेंट करके बताना। और लाइक, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना मत भूलना, जो कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। शेयर करोगे ना तो मेरी वीडियो ना वो आपका फ्रेंड है वो भी देखेगा, एंड उसका फ्रेंड है जो वो भी देखेगा, सो आपका भी काम हो जाएगा। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सो उसके लिए बाय बाय। मतलब बना रहा है क्या?